दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज सुबह मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि क्या आपको सभी स्टेट के बारे में फुल डिटेल में जानकारी चाहिए कि एग्ज़ाम कहाँ पर कैसे होने वाले हैं। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए, और ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम जैसे भी हो, आप हमें पूरी डिटेल में उसके बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक करके सभी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, 6 मिनट का वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपके स्टेट का नाम आता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग एक नंबर पर। तो गाइज़, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गुजरात की। तो गुजरात के अंदर एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप सभी के स्टेट के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो मांग हुई तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर गुजरात के अंदर बात की जाए तो गुजरात के अंदर क्लास 9 और 11 के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों गुजरात के अंदर यहाँ पर जो सभी छात्र या फिर कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ऑनलाइन चाहते हैं, और सरकार भी आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम पर जल्दी फैसला नहीं लेती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम पर फैसला जल्दी ले लेती है। तो दोस्तों, गुजरात के अंदर अभी तक तो ऑफलाइन की संभावनाएँ हैं, बट दोस्तों यहाँ पर कुछ आगे हुआ तो उसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, दो नंबर पर बात कर लेते हैं अपन लोग दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ऑप्शन के बारे में भी बातें चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक फिक्स कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। क्लास 9 और 11 के एग्ज़ाम पोस्टपोन की संभावनाएँ भी यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बात कर लें तो तमिलनाडु के अंदर 9, 10 और 11 तीनों क्लास के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तीनों क्लास के एग्ज़ाम नहीं होंगे, उन क्लासों को सीधे प्रमोशन मिल गया है। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन लोग छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों एग्ज़ाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों संभावनाएं यहाँ पर आपको ऑप्शंस की बनी हुई है, कुछ जगह यहाँ पर ऑफलाइन की बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है फिक्स तो, लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट ज़रूर करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर आपको बता दूँ कि 100% एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। राजस्थान के जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और दोस्तों, यदि बात की जाए यहाँ पर दूसरे राज्य की जैसे बिहार की, तो बिहार के अंदर दोस्तों एग्ज़ाम यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड की बात चल रही है, लेकिन दोस्तों फिक्स कुछ भी नहीं किया गया है कि हम लोग एग्ज़ाम कैसे लेंगे। अभी तक दोनों राज्यों के अंदर कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी फिक्स होगा आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट करवा दिया जाएगा। तो आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपन लोग चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ के अंदर एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। चंडीगढ़ के अंदर एग्ज़ाम जो वो संभावना है यहाँ पर ऑफलाइन की है, 99.9% संभावना है ऑफलाइन एग्ज़ाम की है, 1% संभावना है ऑनलाइन एग्ज़ाम की है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी। उसके बाद दोस्तों अन्य स्टेट की बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर एग्ज़ाम पोस्टपोन और एग्ज़ाम ऑनलाइन की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ यहाँ पर जो ज़िले हैं उनके अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर फिक्स कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑनलाइन या फिर पोस्टपोन भी हो सकते हैं एग्ज़ाम, ऐसा भी यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर वो फिक्स नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों अन्य स्टेट की बात की जाए तो बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादातर संभावनाएँ यहाँ पर आपको प्रमोशन की है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, और 1 से 8 के बच्चों को तो प्रमोट कर भी दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन 9, 10 और 11, 12 के यहाँ पर एग्ज़ाम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस राज्य ने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के बारे में जो भी फैसला लेना है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बता देंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर दोस्तों एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे ऐसा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी आपको फिर से अपडेट मिल जाएगी। आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने गुजरात की तो बात कर ही ली है। उसके बाद यदि बात की जाए हमारे यहाँ पर जो नागालैंड की, तो नागालैंड के अंदर एग्ज़ाम कैसे होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन राज्यों के अंदर यहाँ पर अभी जो कोई ऐसी अपडेट नहीं है मेरे पास। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर एग्ज़ाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में से संभावना तो है ऑप्शंस की, बट दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा कन्फर्म या फिर 100% फिक्स नहीं है कि आपको ऑप्शन ही दिए जाएँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले। और दोस्तों उसके बाद यदि हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्लास 1 से 8 के एग्ज़ाम ऑनलाइन और 9, 10 और 11 यानी दोस्तों 9 और 11 के छात्रों के एग्ज़ाम जो है इनको ऑप्शंस की संभावनाएं हैं, बट
केंद्रीय विद्यालय के जो भी अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जिसके अंदर 100% ये कहा जाए कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 और 11 के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर इनको ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों कौन सा राज्य रह गया है जिस राज्य के बारे में आपको चर्चा जाननी है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं, ये फिक्स है, बट दोस्तों हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के अंदर दोस्तों एग्जाम ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन की संभावनाएं ज़्यादा है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की हमने बात कर ली है उसका, दोस्तों जो भी राज्य आप लोगों का रह गया है यानी इन राज्यों के अंदर ज़्यादातर संभावनाएं हैं, लेकिन जो राज्य रह गया है जैसे असम है, सिक्किम है, इन राज्यों के अंदर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के कुछ नहीं कह सकते। कहाँ कुछ एक कमेंट आया था, वो कमेंट आया था कश्मीर के अंदर एग्जाम कैसे होंगे। तो भैया कश्मीर के अंदर एग्जाम कैसे होंगे इसके बारे में आपको फिक्स कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करवा दूंगा। आपको आज शाम तक आप मुझे कमेंट कर देना, जो अभी कश्मीर से इस वीडियो को देख रहा है मैं उनका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही के बारे में था, यानी सभी राज्यों के बारे में जिन राज्यों के आपको अपडेट चाहिए थी उस राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी राज्य रह गया, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, चाहे वो वीडियो के जरिए दूँ चाहे आपको कमेंट का सीधा रिप्लाई दूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाने के बाद उसको ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।